एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के ना हेल्प यू ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सीखेंगे कि महाराष्ट्र में होने वाली TED परीक्षा 2019 का जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद हम उसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने इस बारे में YouTube पर कई सारे वीडियो देखी, बट किसी भी वीडियो में यह नहीं बताया गया कि हम ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद उसका पेमेंट किस प्रकार से हम करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से यही सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। आप अपना ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर फिल कीजिए MAHTET। उसके बाद जो यहाँ पर mahatet.in की वेबसाइट को आपकी खुल जाएगी, तो उस वेबसाइट का जो पहला लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन लिखा हुआ है, आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो लॉगिन पासवर्ड है आप यहाँ पर डालकर उसे ओपन कर लीजिए। और आपका लॉगिन पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट की बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट की बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने फॉर्म तो ऑलरेडी भर लिया है, तो फॉर्म भरने के बाद कई लोगों को यह शिकायत है कि यहाँ पर जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे कि जो चेकबॉक्स दिया हुआ है, चेकबॉक्स के बाद यहाँ पर कोई सबमिट की बटन नहीं दी हुई है। तो इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो सबमिट की बटन नहीं दी गई है तो हम अपना पेमेंट कैसे करेंगे। तो डरने की बात नहीं है, आप क्या कीजिए यहाँ पर आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाइए। और पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जो तो मैंने क्या किया है, 125 का स्टैंडर्ड 125 का फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फी है वह 500 रुपये है। तो हम यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर से यस पे क्लिक करेंगे। और यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेमेंट, तो आप यस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर यस पे पेमेंट, उसके बाद यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट से या तो कैश कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पर जो भी मेरा डेबिट कार्ड नंबर है वो इसे फिल करूँगा। और ये सब डेबिट कार्ड की जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप उसे यहाँ पे फिल कीजिए। और यहाँ पर OTP फिल करने के बाद आप सबमिट की बटन पे क्लिक कीजिए। तो आप देख लीजिए पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली, और आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो, तो हम यहाँ पर ओके की बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन है, या तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका एक प्रिंट अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर पढ़ लेंगे। और जो TET रजिस्ट्रेशन का आईडी था, इस आईडी का 500 रुपया हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पर पेमेंट इज डन सक्सेसफुली, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो पेमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो गई है। तो आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है कुछ इस प्रकार से आपको शो होगी। तो आप क्या कीजिए, आप इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। अभी आपका जो फॉर्म है प्रिंट रिव्यू, आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस अपने फॉर्म में नहीं कर सकते हो। उसके बाद में क्या कीजिए, फिर आप अपने प्रिंट रिव्यू यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपनी इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ।